Good morning, student. Class 11th, chapter number 10, permutation and combination. Permutation and combination है. Question number 10 का है, exercise 10.1 की. There are 5 books on maths. Maths की 5 book है. 6 book on physics. 6 books है हमारी physics की. इन एक बुक्स को किसी दुकान पर, किस दुकान पर से लानी है. In how many way can a student buy? कितने तरीके से एक student इन किताबों को खरीद सकता है? Number one, math के math, एक तो math की बुक लेनी इसको and एक physics की बुक लेनी. ये तो first part है. Either a math book or a physics book. या तो math की बुक लेगा या physics की बुक लेगा. इसमें second part ये है. तो पहले first part मैं करने से पहले अपने क्वेश्चन में लिखेंगे नंबर ऑफ मैथ्स बुक इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक इज इक्वल टू 6. अब हम पहले पार्ट पे आ गए हैं. पहले पार्ट में ए मैथ्स बुक्स एंड ए फिजिक्स बुक. एक किताब मैथ की लेनी, एक किताब इसकी लेनी फिजिक्स की. तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ वे बाई ए मैथ मैथ बुक खरीदने के लिए. उस दुकानदार के पास 5 किताबें हैं मैथ की और आपको एक किताब लेनी, तो आपके पास 5 तरीके होंगे चॉइस करने के. तो वे होंगे अपने 5 नंबर ऑफ वे मैथ की बुक लेने के. ऐसे नंबर ऑफ वे एक फिजिक्स की बुक लेनी और बुक दुकानदार के पास 6 है, तो आपको उसमें से छांटने के, उनमें से खरीदने के जो चॉइस है आपके पास, जितने तरीके हैं वो 6 तरीके हैं. आप बुक एक फर्स्ट ले सकते हैं, बुक सेकंड, बुक थर्ड, बुक फोर्थ, बुक फिफ्थ, बुक सिक्स, आप कोई सी बुक ले सकते हैं. तो 6 तरीके आपके पास फिजिक्स की बुक लेने के हैं. जब आपको दोनों ही बुक लेनी, एक फिजिक्स की एक मैथ की, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे बाई बुक, किसी बुक को खरीदने के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 5 तरीके तो है मैथ की बुक लेने के, 6 तरीके हैं फिजिक्स की बुक लेने के. मल्टीप्लीकेशन इसलिए हुई क्योंकि दोनों ही बुक लेनी है, फिजिक्स की भी और मैथ की भी. तो ये 30 इसका आंसर है, 5, 6, 30. आइदर ए मैथ, या तो मैथ की बुक लो और ए फिजिक्स बुक या फिजिक्स की बुक लीजिए, या तो आप लेंगे मैथ की बुक या लेंगे फिजिक्स की. तो इसमें से क्या, इसमें क्या तरीका होगा, नंबर ऑफ वे बाई ए मैथ बुक, वही तरीके. मैथ की बुक लेने के 5 तरीके हैं और फिजिक्स की बुक लेने के 6 तरीके हैं, लेकिन आपको लेनी एक है दोनों में से. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे बाई बुक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आइदर और, या तो आप मैथ की बुक लेंगे या आप फिजिक्स की बुक लेंगे. तो जब यह आ जाएगा, या तो ये लेंगे या ये लेंगे, एटलीस्ट 1 इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ एडिशन लगेगा. हम इन दोनों के नंबर ऑफ वे को प्लस कर देंगे, 11 इसका आंसर आ जाएगा. इससे आगे क्वेश्चन आपको कल को बताएंगे. थैंक यू.